वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष जमे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारतीय डाक द्वारा मतलब इंडियन पोस्ट के द्वारा अब सभी के लिए जो आइडेंटिटी कार्ड है वो बनना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना इंडियन पोस्ट आइडेंटिटी कार्ड को बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं और इसको बनाकर आप सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं और बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी आईडी प्रूफ के तौर पर भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बनाना है तो किस तरह से बनाया जाता है उसका मैं पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको सर्च बार में टाइप कर देना है इंडिया पोस्ट। आपको इंडिया पोस्ट लिख लेने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है www.indiapost.gov.in। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भारतीय डाक है वो ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा फॉर्म। तो आपको ये फॉर्म वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पे आपको करना क्या, थोड़ा सा स्लाइड करके आपको इधर आना है। इधर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ का फाइल देखने के लिए मिल जा रहा है। तो आपको ये पीडीएफ वाले फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आप जैसे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते हैं यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं आपके सामने आपका जो पीडीएफ फाइल है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो पीडीएफ फाइल है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है इन एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड। तो आपको करना क्या है, ये वाले एप्लीकेशन मतलब जो फॉर्म है उस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट करके आपको निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद फ्रेंड्स, आपका फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। और आप जिसका आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे उसका यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। उसके बाद उसका फादर गार्जियन जो है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे जो एप्लीकेंट है मतलब जिसका कार्ड बनेगा उसका यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका उसका परमानेंट जो एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस। तो आपको ये जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है ये फॉर्म को आपको फिल कर देना है प्रॉपरली। आप इसको फिल कर देने के बाद आपको इसको करना क्या होगा, इसको आपको लेके आपका जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस पे जाके इसको आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको करना क्या है, वहाँ आपका जो पोस्ट ऑफिस है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आपको कुछ चार्ज लिए जाएंगे। आपका जो फॉर्म जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। वो चार्ज देने के बाद आपको यहाँ से करना क्या है, आपको एक रिसिप्ट भी दिया जाएगा। वो रिसिप्ट को लेकर आपको चले आना। उसके बाद ये आपका जो हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको हेड पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपके एड्रेस में बाय पोस्ट कार्ड को भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना इंडियन पोस्ट आइडेंटिटी कार्ड को बनाना चाहते हैं तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने होंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।